दोस्तों पुलिस तो FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन फिर पुलिस केस में इन्वेस्टिगेशन करने में सुस्ती दिखाती है। कई मामलों में पुलिस दोषियों से पैसा ले लेती है, फिर पुलिस केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, या फिर करती भी है तो ठीक से नहीं करती है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर FIR दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो आप क्या करें। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो भाई ये शुरू करते हैं। अगर पुलिस FIR दर्ज करने के बावजूद भी आपके केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करें तो आप जिले के SP को एक एप्लीकेशन लिखें। आप एप्लीकेशन में FIR की कॉपी भी लगाएं। आप अपनी एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें और स्पीड पोस्ट की रिसीविंग मतलब कि रिसिप्ट अपने पास प्रूफ के तौर पे रख लें। फिर एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर जिले के SP को लगेगा कि आपके केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो पहले वाले ही IO को ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दें, या फिर आपके केस के IO को ही वो बदल दें। अगर आपके इतना करने के बावजूद भी SP भी आपके केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो आप DIG, IG को भी एप्लीकेशन लिखें। अगर इतना करने के बावजूद भी आपके केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो आपके पास अंतिम और सबसे पावरफुल रास्ता बचता है कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। आप एक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करें और कोर्ट को सारी बातें बताएं। फिर कोर्ट आपके IO को नोटिस देकर कोर्ट में बुलाएगी। फिर कोर्ट IO से पूछेगी कि आपके FIR दर्ज करने के बावजूद भी केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। अगर वो IO कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो हो सकता है कोर्ट उस IO पर कानूनी कार्रवाई करे। साथ ही साथ कोर्ट SP, DIG और IG से भी जवाब तलब कर सकती है। फिर कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि आपके केस में ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, या फिर हो सकता है कोर्ट आपके IO को बदलने का आदेश दे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि समाज में जागरूकता फैले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर अक्सर ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपके काम की होती है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।